अब जैसे आपने बताया था 2.25 लाख का, जी 25 गज का, जी बाकी 5100 रुपये दे करके आप प्लॉट बुक करवा सकते हैं, बाकी के सारे पैसे आप चाहें तो किस्तों में दे दें। तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल द फैमिली हेल्पर पर। तो एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं ये आपको पूरा दिखाने वाला हूँ और पूरी लोकेशन आपको बताने वाला हूँ किस प्राइस में है। तो पूरा बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आया हुआ हूँ दिल्ली बॉर्डर से, मात्र 10 मिनट की दूरी पे मैं खड़ा हुआ हूँ। और जिस लोकेशन में खड़ा हूँ, ये लोकेशन आपकी गाज़ियाबाद के अंदर आती है और उत्तर प्रदेश में लगती है, और दिल्ली यहाँ से मात्र सिर्फ 10 से 12 मिनट की दूरी पे है। और यहाँ पर जो मिलने वाला है वो 2 लाख में 25 गज का आपको प्लॉट मिलने वाला है, वो भी आप 3 साल की आसान किस्तों पर आपका मिलेगा। बाकी हमें अजय जी बताएंगे, जो अजय जी ने मुझे थोड़ा बताया वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, बाकी अजय जी बताएंगे। और अजय जी कैसे हो सर आप? पहले बिल्कुल प्रसन्न जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि हम जिस लोकेशन पे खड़े हैं, इस लोकेशन पे आने के लिए आप अगर मेट्रो से आना चाहते हैं तो जो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो हमारा शिव विहार का मेट्रो स्टेशन है, जो कि यहाँ से मात्र 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, ठीक है। अगर आप बस से आते हैं तो आप DTC के बस से आप करावल नगर आ सकते हैं, जो कि करावल नगर का जो बॉर्डर है वो हमारे यहाँ से 3.5-4 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है। बाकी जिस लोकेशन पे हम खड़े हुए हैं जी, इसका नाम क्या है इसका? ये जो हमारी सोसाइटी है ये ग्लोबल सिटी के नाम से जानी जाती है, और ग्लोबल सिटी जो है वो आपका ट्रॉनिका सिटी, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है आपका गाज़ियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पे, वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये। अब हम इसमें जो आप हमें दिखाने वाले हो, तो इसमें हमें क्या क्या आप दिखाने वाले हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आपको प्लॉट मिल जाते हैं, अगर आप बनवा करके मकान लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाते हैं, जो हम अभी आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। साथ ही साथ इस लोकेशन से स्कूल, जो कि बिल्कुल आपके पीछे है, स्कूल आप ये देख रहे हैं, तो मात्र 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पर आपको स्कूल मिल जाता है, बढ़िया CBSE बोर्ड का। अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो सरकारी स्कूल भी 400 मीटर की दूरी पर मिल जाता है। बस अड्डा जो है वो यहाँ से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो नुसरताबाद खरखड़ी रेलवे स्टेशन जो है वो हमारे बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ तो जो रुकती होंगी वो लोकल ट्रेनें रुकती होंगी? बिल्कुल दोस्त, यहाँ पर लोकल ट्रेनें रुकती हैं, और जो आपका जो दिल्ली सहारनपुर का जो लाइन है उसकी सारी ट्रेनें यहाँ रुकती हैं आपकी। बाकी ये जो रोड है आपका, ये जो पीछे वाला रोड है जी, ये कितने फीट का रोड है? ये हमारा जो है ये 50 फीट का मेन रोड है। ठीक है। जो कि आपको रेलवे स्टेशन से लेकर के और आपको सीधा चला जाता है ये शिव विहार मेट्रो स्टेशन पे। मतलब यहाँ से हम अगर लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ से शिव विहार मेट्रो स्टेशन पहुँच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से हम राइट जाएंगे तो ये आपका नुसरताबाद रेलवे स्टेशन पहुँच गया। ठीक है। और उससे अगर आगे बढ़ते हैं तो मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपका दिल्ली देहरादून का जो एक्सप्रेस वे बन रहा है वहाँ पर जाकर के ये रास्ता आपका कनेक्ट हो जाता है। वहाँ पर मैं अभी जो 50 फुट वाली सड़क पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से आपको ऑटो वगैरह मिलते हैं, लोकल ऑटो? एनी टाइम शर्मा जी, आपके व्यूवर्स को किसी भी समय यहाँ से ऑटो, बैटरी रिक्शा, तमाम सुविधाएं मिल जाती हैं, क्योंकि ये कहने वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बसावट पूरी है, ठीक है, स्कूल है, मार्केट है आगे जाकर के, तो निश्चित रूप से आपको बैटरी और ऑटो रिक्शा की तो कोई समस्या होने वाली ही नहीं है, क्योंकि ये रोड जो है वो रेलवे स्टेशन को भी जोड़ती है। तो अभी हम चलते हैं आगे लोकेशन पे, और इसी ये जो रोड देख रहे हैं सामने, ये देख रहे हैं आपका ये स्टार्ट हो जाता है आपका क्या नाम रहता है, ग्लोबल सिटी के नाम से जो प्रोजेक्ट है ये आपका स्टार्ट हो जाता है, और इसी में आपको मिलेंगे। और किस अंदर कहाँ कहाँ पर मिलेंगे वो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। चलिए, मैं आपको जो दिखाने की कोशिश करूं तो सामने आप देख रहे हैं वो आपकी मार्केट भी है, और ये बसावट आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो बसा हुआ एरिया है आपका पहले से ही। और ऑटो देख रहे हैं, आपको ऑटो यहाँ पर मिल ही जाते हैं जैसा आपको अजय जी ने बताया था। और बाकी अंदर चल के और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अब बात आती है यहाँ पर जो फैसिलिटी मिलने वाली है, क्या फैसिलिटी देने वाले हैं और किस साइज़ के प्लॉट मिलने वाले हैं और उसका क्या क्या प्राइस रहने वाला है। तो सर इसमें जो फैसिलिटी मिलने वाली है, पहले फैसिलिटी क्या होगी? शर्मा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे आपके व्यूवर्स को 15 फीट, 18 फीट, 20 फीट, 22 फीट और 30 फीट तक की सड़कें यहाँ पे मिलती हैं।
जैसा कि आप पीछे मकानों में देख सकते हैं कि बिजली की फैसिलिटी ऑलरेडी यहाँ पे पहुंची हुई है, सरकारी मीटर लगे हुए हैं लोगों के, तो उसकी भी कोई समस्या नहीं है, और सेप्टिक टैंक की व्यवस्था यहाँ लोगों को करनी पड़ती है सीवर के नाम पे, बाकी स्कूल मार्केट सारी चीजें आसपास में है, वो चीज तो हम दिखाई चुके हैं, तो बहुत ही बढ़िया जगह है जहाँ पे आकर के तुरंत लेकर के आदमी रहना भी शुरू कर सकता है या फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बहुत बढ़िया जगह है। अब जैसे आपने बताया था 2.25 लाख का 25 गज का, बाकी इसमें साइज क्या क्या है और किस हिसाब से प्राइस रहेगा? बिल्कुल, इसमें जो है वो 25 गज और उससे ऊपर के किसी भी साइज को आपके व्यूवर्स जो है यहाँ बुक करा सकते हैं, ठीक है, यानी 25 गज, 35 गज, 50 गज, 80 गज, जो चाहे वो मिल जाएगा। बुकिंग अमाउंट हमारे पास में मात्र 5100 रुपये है, 5100 रुपये दे करके आप प्लॉट बुक करवा सकते हैं, बाकी के सारे पैसे आप चाहें तो किस्तों में दे दें। जब आपके 50% की पेमेंट हो जाती है तो आपको हम रजिस्ट्री कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई भाई चाहते हैं कि पहले ही रजिस्ट्री हो जाए तो मात्र 40% की पेमेंट करें और हम उनको हाथों हाथ रजिस्ट्री करके दे देंगे, बाकी के पैसे वो हमें किस्तों में 3 साल में दे सकते हैं। बाकी जैसे अब इसमें जो प्रति गज का प्राइस है जो, जी वो क्या प्राइस चल रहा है? प्रति गज का जो प्राइस है शर्मा जी, वो लोकेशन के हिसाब से अलग अलग है, 8,500 रुपये गज से लेकर के और ये 18,000 रुपये गज तक का हमारा है। तो जहाँ जैसे अभी हम जिस लोकेशन में खड़े हैं यहाँ पे आपको 10,000-11,000 रुपये गज में बड़ी आसानी से मिल जाता है प्लॉट, इससे सस्ते भी हैं, और जैसे जैसे आप हाईवे के यानी देहरादून एक्सप्रेसवे के पास जाएंगे तो प्लॉट का रेट फिर बढ़ता भी चला जाता है, मगर समय पूरे 3 साल मिलेंगे। अब इसकी जो रजिस्ट्री होती है वो कहाँ पर होगी? इसकी जो रजिस्ट्री होती है यहाँ बिल्कुल बगल में ही हमारी लोनी तहसील है खन्ना नगर की, वहाँ पर इसकी रजिस्ट्री हो जाती है, और वहीं पे रजिस्ट्री के साथ ही साथ आपके म्यूटेशन के यानी दाखिला खारिज की फॉर्म भी भर दी जाती है, जो 2 से 2.5 महीने में आपको दाखिल खारिज होकर मिल जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो अभी ये जो हमने साइड दिखाई ये तो वाली साइड थी, जैसे मैंने आपको बताया था और थंबनेल पे आपने देखा था 2.25 लाख रुपये में 25 गज का प्लॉट, और जो कि आपको 40% देने के बाद रजिस्ट्री और 36 महीने के आपको किस्तों पे मिल रही थी, मतलब 36 महीने का आपको बिगर किसी ब्याज के आपको सहूलियत मिल रही है कि आप आसानी से चुका पाएँ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ जिस साइट की हमने विजिट की है, तो जैसे ऑफिस का नाम है न्यू मंतसा के नाम से वो ऑफिस है, तो उनके ऑफिस पे हम आ चुके हैं और हम इनसे बात करेंगे, जो इन्होंने बताया कि रजिस्ट्री पक्की हो रही है नहीं हो रही, और जो साथ में म्यूटेशन जिसका दाखिला खारिज जिसे कहते हैं वो है या नहीं, और वो हम इनसे चेक भी करेंगे, पता भी करते हैं, बाकी जानते हैं इनसे। तो सर जैसे अभी आपने जैसे बोला था जी सर भाई, वीडियो में हमसे बोला था जी कि पक्की रजिस्ट्री और म्यूटेशन आपकी हो रही है, तो क्या आप हमें उसके कागज भी दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कागज दिखा सकते हैं, हमारे बड़े भाई गुलजार भाई हैं, और मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया जो भी हमारे जो अभी हाल फिलहाल की जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो दिखाइए हमारे शर्मा जी के व्यूवर्स को, और साथ ही साथ जो म्यूटेशन की बात होती है, कहते सभी हैं पर क्या दे पा रहे हैं सब, हमें तो पता नहीं, हम दे पा रहे हैं, हम वो दिखाए थे जी सर। बिल्कुल कोई चीज़ सर, ये पक्के रजिस्ट्री है दाखिला खारिज के साथ में, ठीक है सर। ये देखिए आप म्यूटेशन चढ़ा हुआ है, तो मतलब ये ऑनलाइन आप हम उस पर देख सर, ऑनलाइन ऐप पे जी ऑनलाइन चेक कर सकते हो जी सर। आपके व्यूवर्स जो हैं शर्मा जी, केवल ये नंबर ऑनलाइन पे डालेंगे और ये नंबर डालते ही उनको पूरी अपनी रजिस्ट्री और खतौनी सारी दिख जाएगी, सब चीज़ दिख जाएगी सर। तो बाकी जैसा कि आप ये रहा आपके उनके डॉक्यूमेंट, बाकी आप खुद भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, भूले के ऐप पे जाके भी चेक करा सकते हैं, और साथ के साथ जैसा जो आपने अभी साइड देखी है जी, ये सारी वो रजिस्ट्रियाँ हैं जो लोग यहाँ पर ले चुके हैं और उनकी रजिस्ट्री ये आ चुकी है, तो ये रजिस्ट्री हम आप आके खुद भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने खुद चेक की है, और बाकी भूले पे जैसे मैंने बताया आप वहाँ पर जाके दाखिला खारिज चेक करा सकते हैं, बाकी इनसे और पूछते हैं। और इसके अलावा सर और भी ऑप्शन आपकी साइड पर है ना? किस तरह की ऑप्शन मिलता है? जो हमने अभी साइड विजिट की है। अच्छा, हाँ जी, अभी तो हम लोग जो है वो ग्लोबल सिटी हमने देखा है, मगर इसके अलावा ऊपर वाले की दुआ से हम पे और भी साइटें हैं, जैसे हमारी लक्ष्मी सिटी है, जैसे हम पे न्यू मंतसा सिटी है, उसके बाद में हमारे पास ग्रीन गार्डन है, तो हमारे पास कई ऑप्शन हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और विजिट करें हमारे पास, हम जो बचे हुए ऑप्शन हैं वो भी आपको जरूर दिखाएंगे। विजिट करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिलेगा, बाकी आप स्क्रीन पर भी नंबर देख पा रहे हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो भी इनकी साइड और भी हैं उसको मैं आगे आपको ज़रूर दिखाऊंगा, आज जो नहीं दिखा पाया वो कुछ कारण है, जो बारिश के कारण नहीं दिखा पाया, तो अगली वीडियो में आपको जो भी इनकी साइड हैं 5-7 साइड जो भी है उसकी पूरी वीडियो आपको हमारे
द फैमिली एडवाइज यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और प्लीज़ चलते हैं वीडियो को एंड करते हैं यहीं। जैसा कि शर्मा जी ने बोला है कि हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वीडियोस आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, मगर वो मिलेगी जब ही जब आप शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप ज़रूर इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।